हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो आज हम लोग जो है फिर से एक बार लेकर आ गए हैं 5 नवंबर करंट अफेयर्स। तो इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स की डेली के 10 क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है उसके जो रिलेटेड फैक्ट रहेंगे वो आपको बताया जाएगा। और ये जो है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि डेली का जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता है। और इससे अच्छा करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए आपका करंट अफेयर्स के लिए आज 1 रिपोर्ट का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रमुख सम्मेलन का। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो है 2015 से मनाया जाता है, ठीक है। सुनामी जागरूकता दिवस जो है 2015 से मनाया जाता है, क्योंकि 2015 में जापान के सेंडई शहर में जो है सेंडई फ्रेमवर्क बनाया गया था। सेंडई फ्रेमवर्क बनाया गया जो आपदा से निपटने के लिए, तो उसी उपलक्ष्य में 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैंकॉक में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP में शामिल नहीं होने का फैसला किया है? मतलब अपने आप को RCEP से अलग कर लिया है, किसने अलग किया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, भारत हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है एक बार देख लेते हैं, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 10 एशियन देशों का जो है समझौता है, ये सबसे बड़ा समझौता है। इसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी कुछ शर्तों के नहीं मानने पर जो है इसको रद्द कर दिया, इससे अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने सरकार को किस बांड को जारी करने का सुझाव दिया है? तो ये जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा, एलिफेंट बांड। दोस्तों एलिफेंट बांड ये है कि इससे जो है सरकार क्या करती है कि विदेशों में जमा जो काले धन है उस पर जो है वो 500 बिलियन तक का जो है उसको वापस ले सकता है। तो ये एलिफेंट बांड है। नेक्स्ट है चौथा, हाल ही में किस राज्य में जो है तवांग महोत्सव संपन्न हुआ? हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तवांग महोत्सव मनाया जाता है। इसमें जो है बौद्ध धर्म और अरुणाचल की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में। अभी जो है एक बेरोजगारी दर भारत में 3 साल में सबसे उच्चतम दर पर पहुँच गई है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो और डाटा है। तो अक्टूबर 2019 में जो बेरोजगारी दर है वो जो है 8.5% है। कितनी है? 8.5% की दर से है, और ये शहरी क्षेत्रों में 8.9 है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8.3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, IBM के साथ, ठीक है, सी हो जाएगा IBM के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किसने की है घोषणा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिहार।
तो बिहार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अभी प्रदूषित शहरों की सूची आई थी तो टॉप 10 में पटना भी शामिल था, इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, आदित्य मिश्रा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 451 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, घोषणा की गई है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के करंट अफेयर्स। अब आज बारी है आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल की। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है कुल वन एवं वृक्षावरण, मतलब कुल वनावरण और प्लस वृक्षावरण कितना क्षेत्रफल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना प्रतिशत है, दोनों आंसर आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम, आपका प्लेलिस्ट भी यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की दे दी जाएगी, आपका पूरा नवंबर का आप देख सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।